नीतीश कुमार ने बिहार में एनडीए के गठबंधन तोड़ महागठबंधन का दामन थाम लिया। आरजेडी से हाथ मिलाने के बाद अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जो दल बिहार में अपने बूते मुख्यमंत्री नहीं बन सके वो पीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। दरअसल ये हमला तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर बोला। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली, कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हो या 2020 का विधानसभा चुनाव, हम लोगों ने बीजेपी को हर जगह सपोर्ट किया, लेकिन हमारे पीछे जिस तरह की चीजें चल रही थी उसे देखकर हमें बीजेपी से अलग होना पड़ा। बीजेपी विधायक संजय सिंह ने नीतीश कुमार पर आतंकियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार की सरपरस्ती में बिहार में जगह जगह आतंकियों के स्लीपर सेल बन गए हैं। संजय सिंह ने आगे आरोप लगाया कि 2014 में जिस घटना में भाजपा की रैली में ब्लास्ट हुआ वो दरअसल आतंकवादियों द्वारा नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश थी। आरा का सदर अस्पताल उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब दो पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। टाउन थाना क्षेत्र के छोटकी सिघी गांव में घर बनाने के विवाद को लेकर दो पक्ष अस्पताल में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष के मां बेटे जख्मी हो गए, जिसके बाद उनका इलाज आरा सदर अस्पताल में ही कराया गया। जानकारी के मुताबिक जख्मियों में टाउन थाना क्षेत्र के छोटकी सिघी गांव निवासी संजय सिंह की 47 साल की पत्नी संजू देवी और 18 वर्षीय पुत्र शिवम सिंह शामिल हैं। बकुलर मठ से 2-3 किलोमीटर दूर चनपटिया थाना के पिपरा काली मंदिर के गेट पर एक पुजारी का सिर कटा शव मिला। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में तनाव है। लोगों का कहना है कि आखिर पुजारी की इस तरह से हत्या किसने की। बताया जा रहा है पुजारी मूक और बधिर थे, जिनकी पहचान 55 साल के रूदल बरनवाल के रूप में हुई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।